फ्रेंड्स, आपको जीवन में सफल होने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक होता है आपका आत्मविश्वास और दूसरे होते हैं आपकी परिश्रम। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। 16 दिसंबर से ग्रहों के राजा सूर्य भगवान का राशि परिवर्तन, इस साल का आखिरी राशि परिवर्तन हो रहा है। देखिए, सूर्य भगवान जो है अभी वृश्चिक राशि में काफ़ी अच्छे पोजीशन पे बने हुए हैं, अब जो है ये धनु राशि में, नौवीं राशि में आ जाएंगे। देखिए, सूर्य, आपको पता होगा कि सूर्य एक सबसे तेज प्लैनेट है, जो कि आपको मान सम्मान और ख़ासकर आपको जो है यश, कीर्ति, अथॉरिटी, जो लोग जिनके सूर्य उनके हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड होते हैं तो वो बड़े दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी में होते हैं, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्समैन, लॉयर्स, जजेस। तो ये जो है सूर्य भगवान का हर महीने राशि परिवर्तन होता है, तो पूरे 12 राशियाँ पूरे 12 महीने में कवर करती है। इस टाइम 16 दिसंबर से ये एक महीने के लिए होगा। 16 दिसंबर से वैसे भी क्या है कि खर मास लग जाएगा, जिसमें कि मांगलिक कार्यों की नहीं होती है। तो ये जो है आत्मा का कारक है, सूर्य पिता को भी डिनोट करता है। तो ये मान सम्मान, वृद्धि, धन समृद्धि, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये प्रत्यक्ष देवता है। देखिए, अगर कोई कहे कि भगवान है या नहीं, आप सूर्य भगवान को उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि ये एक और बात है, अनलाइक अदर 9 प्लैनेट्स, सूर्य भगवान हमेशा सीधी चाल करते हैं, कभी बकरी नहीं होते। तो ऐसे में ये आखिरी 2023 का जो सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये क्या क्या किस्मत, क्या नसीब किसी के जगाएंगे, ये हम पूरे 12 राशियों को संक्षेप में डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ परसेंटेजेस भी दूंगा, क्योंकि बहुत लोग मेरे से कहते हैं कि आप जो है डिटेल में बताते हैं। हम इसलिए बताते हैं क्योंकि सिर्फ हम ये कहें कि भाई पर्टिकुलर राशि अच्छा है, तो हम उसको ये भी बताते हैं इसलिए अच्छा है क्योंकि वो ग्रह इस भाव में बैठे हैं। सिर्फ कहना कि आपको ये मिल जाएगा वो ठीक नहीं होता। सबसे पहले भाग्यशाली राशि है वो मेष राशि, जो कि इसमें ऐसा है कि सूर्य भगवान 16 तारीख को ये इनके भाग्य स्थान पे बैठेंगे। भाग्य स्थान में जब भी बैठते हैं तो लाभ के लिए होगा, तो ये इनके लिए इनकम के नए सोर्सेज बनाएंगे नौकरी में, और ख़ासकर जो बिजनेस में है, सडन इनको अथॉरिटी, जो इनका हायर अप्स होते हैं, अथॉरिटीज जो होते हैं, उनके बॉसेस कह लीजिए या उनके जो सरकारी कैसे ऑफिशियल्स, उनसे इनको लाभ मिलेगा। साथ ही इनको फॉरेन से जो है, फॉरेन यात्राओं से, कोई भी धार्मिक यात्रा से का योग भी अच्छे हैं, और गुड स्कोप फॉर मनी, मनी का जो है इस एक महीने में मनी के अच्छे स्कोप हैं, रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव होंगे। ये बहुत अच्छा समय है मेष राशि के लिए पूरे लाभ उठाने का। इनके लिए उपाय है, सूर्य को जल दें, उसमें थोड़ा गुड़ डाल के। दूसरी बात, भाग्यशाली राशि है टॉरस। टॉरस में देखिए, ये आठवें नंबर पर, जब आठवें नंबर पर जो ये गोचर इसका हो रहा है, तो ऐसे में क्या है कि देखिए, इनको खासकर ये है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनको जो है इनके लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी। इनके ओवरऑल जो है, इनके जो भी रिलेशनशिप्स जो थोड़े अंडर विच वर अंडर चैलेंज, वो बेटर होंगे। और साथ ही इनको जो है, इनके जो यू कैन से रुकावटें थी, यू कैन से बॉटलनेक दूर होंगी। और साथ ही इनको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कोई भी जो लीगल इश्यूज, लीगैलिटी जो इश्यूज हैं, क्योंकि आठवें भाव पर जो है गोचर है, ये आपको इन सारी दिक्कतों से और कष्टों से जो है वो इनको दूर करेगा। अब हम इसके बाद जो आ रहे हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट नेक्स्ट राशि, इसमें हम इसमें टॉरस में हम आएंगे तो ये भी नियर अबाउट 70% इनको सक्सेस रेट आता है। मिथुन राशि पे आते हैं, जेमिनी, बुध इसके स्वामी हैं, और देखिए सातवें भाव पर गोचर हो रहा है, तो सातवां भाव आपको बेहतर पता होगा कि रिलेशनशिप्स में, पार्टनरशिप्स में कई समय से जो कठिनाई चली आ रही है, और जो डेली फ्लो ऑफ इनकम, डेली यू जो कह सकते हैं कि जो ट्रेडर्स हैं या जो भी बिजनेस क्लास है, उनको जो है यहाँ पे काफ़ी लाभ का समय दिखा रहा है। साथ ही जो यात्राओं से जो इनको, और जो हायर ऑफिशियल्स गवर्नमेंट से एंड अदर गवर्नमेंट अलाइड बॉडीज, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का कारक होता है और अथॉरिटी का कारक होता है, तो ये शुभ समय है। कैंसर वालों के, ये मिथुन वालों के लिए 60% सक्सेस रेट है। कर्क वालों के लिए हमारे कि सूर्य की को, ये सूर्य की मित्र राशियों में आती है,
ऐसे में जो है ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े इंप्रूव हो जाएंगे, बिकॉज यू विल हैव गुड स्कोप फॉर नॉलेज। नॉलेज जब इंप्रूव होगी तो आपको आपके हायर अप्स, वेदर वो ऑफिस में है या आपके जॉब में या है या कारोबार में है, आपको अच्छा योग बनेगा। तो इसमें भी ऐसा है कि जो चिल्ड्रन एंड दोज हु आर गिविंग एग्जाम्स या जो भी कोई स्कॉलरशिप या कोई भी एडवांस स्टडीज़ के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं या अपने इंडिया में या कहीं पे भी कुछ एडवांस कोर्सेज करना चाहते हैं, ये समय अच्छा है। तो कैंसर के लिए भी समय अच्छा है 70%। फिर हमारे लियो सिंह राशि का भी समय अच्छा है। इस पर इनको माता से इनके जो सिस्टम्स थोड़े रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे, भूमि वाहन और व्हीकल का सुख है, कुछ रेनोवेशन मकान में या घर पे आप कर सकते हैं। और ख़ासकर जो लोग ऑफिस में नौकरी पेशा में लोग हैं उनके लिए जो है बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि इनके बॉसेस इनको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मतलब पदोन्नति भी मिल सकती है और साथ में फंड्स का जो है फंड्स आना इनके लाइफ में शुरू हो जाएगा और सोर्स ऑफ डेली इनकम ऑल्सो विल इम्प्रूव। तो इनका भी नियर अबाउट 70% आता है। उसके बाद आते हैं कन्या राशि पे समय काफ़ी अच्छा है इनके लिए जो है 70% का समय है। इसमें इनके लोग जो लोग काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे उनको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो अब जो है रिजल्ट्स मिलने का टाइम आएगा। इनके जो जो जॉब्स में चेंज आ सकती है, इनके बॉसेस इनको जो है गुड इनको अच्छा कुछ ना कुछ यू कैन से कैरियर की इंक्रीमेंट मिल सकती है, जो भी चैलेंजेस थी वो सॉल्व हो जाएगी और इनको रिलेशनशिप चैलेंजेस ऑल्सो विल इम्प्रूव और कैश रिलेटेड कैश फ्लोस विल इम्प्रूव और ट्रैवल से लाभ मिलेगा, ये भी 70% है। तुला राशि पे आ रहे हैं 70% है। पारिवारिक समस्याएं मतभेद जो भी थे वो दूर होंगे, जो भी बिजनेस में पार्टनरशिप्स में जो काम कर रहे थे उनको जो तकलीफ हो रही थी वो दूर होगी। साथ ही ट्रैवल के लिए अच्छा समय है। फॉरेन रिलेटेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विल बी मच बेनिफिशियल, जो इंटरनेट ट्रैवल टूरिज्म का जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा इनफ्लो समय है। ये भी स्कॉर्पियो पे आ रहे हैं, ये भी करीब 65% है। इसमें क्या है कि देखिए इनकी धन भाव पर सूर्य भगवान का गोचर है और पहले भाव पर जो है मंगल बैठे हैं, तो सूर्य भगवान इसमें क्या है इनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, इनके कैरियर में जो थोड़ी बहुत जो रुकावट थी वो दूर होगी और जो ट्रैवल्स के इनके जो रुके हुए थे ट्रैवल्स से लाभ आएगा इनको, तो ये ट्रैवल्स करें अधिक तो लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट से जो इनको कोई ना कोई लीगल केसेस जो थे वो दूर होंगे और रिलेशनशिप्स में भी एक नो डिफाइनिंग मोमेंट विल कम, तो इसके समय अच्छा है। धनु राशि के लिए बहुत अच्छा समय है, 70% है। लगन भाव पर जो है गुरु सूर्य भगवान बैठे हैं, गुरु इनके राशि के लॉर्ड हैं, तो हैप्पीनेस अनलिमिटेड इनको मिलने वाला है। इनको जो है यात्राओं से लाभ मिलेगा, इनको फ्रेंड्स से और फ्रेंडशिप्स और मेंटर्स गुरु से इनको कुछ ना कुछ न्यू नॉलेज लर्निंग मिलेगी, क्योंकि लगन भाव पर हैं तो कुछ ना कुछ ज्ञान इनको मिलता रहेगा, विच विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर देम। इनके ओवरऑल रिलेशनशिप विल इम्प्रूव, बट फिर भी इनको थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान रहे और ये अपने चीज़ें अपने तक ही थोड़ी सीक्रेट्स में थोड़ा ध्यान रखें और अपने सीक्रेट्स किसी से ना शेयर करें, सिर्फ अपने जो मेंटर्स या जो भी जो इनको जो अपने क्लोज है उनसे डिस्कस करेंगे तो ठीक है, तो नुकसान हो सकता है, सीक्रेट एनिमीज आ सकते हैं। मकर राशि का 65% सक्सेस रेट है। इसमें ऐसा है कि मकर राशि पे जो है ये 12वें भाव पर है, तो फॉरेन से संबंधित जो भी इनके मांगलिक कार्य जो रुके हुए थे शुरू होने लग जाएंगे और इनमें खासकर एक जो इशू इनको जो आ रही है कि मैरिज से जो दिक्कतें हैं या रिलेशनशिप्स इशूज वो सॉल्व होने शुरू हो जाएंगी और साथ ही सूर्य भगवान इनके हेल्थ को और इनके ओवरऑल जो इनकी एनर्जी एंड एंथुजियाज्म बढ़ाएगा और नौकरी में भी अब जो है थोड़ा इनमें एक स्पीडअप आएगा और जो लोग जिनके अपने काम हैं जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें भी इनको इनफ्लो आना शुरू हो जाएगा, तो ओवरऑल इनके समय अच्छा है। कुंभ राशि पे आ रहे हैं 70%। कुंभ पर 7.5 का असर पूरा चल ही रहा है, कुंभ राशि पे ये बहुत अच्छा है। 9th ये 11वें भाव पर देखिए लाभ भाव पर है, लाभ भाव से इसमें ऐसा होगा कि कई समय से इनको जो है जो गुड न्यूज़ नहीं मिल रही थी अब गुड न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाएगी, पैसे की फ्लो शुरू हो जाएगा, प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं, इनको शेयर मार्केट्स और शेयर स्टॉक से भी लाभ मिलेगा, फॉरेन से इनको इनकम आ सकती है। और साथ ही एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, इनके हेल्थ में जो प्रॉब्लम आई है हेल्थ में एक देयर विल बी मच रिलीफ, तो ये भी 70% है। मीन राशि पे मीन राशि का सक्सेस 70% है, बहुत शानदार समय है। इनको ऐसा है करें कि इनको जो है इनके कैरियर भाव पे गुरु सूर्य भगवान
का गोचर होगा तो एक महीने के लिए। तो इस समय जो है इनको कैरियर में एक नए नए इनको चीज़ें, नॉलेज, इनको एनहांसमेंट, इनको जो कुछ आइडियाज़, इनको थॉट्स आएंगे जो इनको आगे आने वाले समय के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो ऐसे में पाइसेस मीन राशि वालों के जो लोग कैरियर में हैं, नौकरी में हैं, ये न्यू लर्निंग लेते रहे हैं तो बहुत शुभ रहेगा। ओवरऑल समय इनके लिए बहुत अच्छा है और ख़ासकर ये इनके लिए हिंद के हेल्थ में लॉट ऑफ चेंज। शिव शनि की साढ़े साथी और राहु का है तो उनके उपाय करते रहें। बेसिकली सूर्य इनके अब उपाय बताते हैं। सूर्य जनरली सबको सूर्य पे जल दें, उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल दें और गुड़ डाल के करें, और मंदिर में आप हो सके संडे को आप अनार पोमोग्रेनेट का दान करें तो शुभ रहेगा, और ओम आदित्याय नमः का जाप करेंगे तो शुभ रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दिस इज़ बेसिकली अ जनरल रीडिंग। स्पेसिफिक रीडिंग के लिए आप हमारे से 8010001346 पर कर सकते हैं और मैं आपको 2024 की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।